हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एप्लीकेशन लेटर टू बैंक मैनेजर बताने जा रहा हूँ कि बैंक में हम एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं, आपको सबसे पहले टू लिखना है, फिर कोमा, फिर लिखना है द ब्रांच मैनेजर, जो भी उस बैंक का ब्रांच मैनेजर होगा उसको हमें लिखना है। फिर हम उस बैंक का नाम लिखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जो भी होगा वो लिख देंगे। फिर जो भी वहाँ की जगह होगी, साकेत है जैसे, फिर न्यू दिल्ली। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ देना है, फिर लिखना है सब्जेक्ट, फोर लिखेंगे, फिर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी मुद्दा होगा, जो भी विषय होगा वो लिखना है। जैसे इसमें लिखा है फोर इशूइंग, मतलब जारी करने के लिए ए न्यू एटीएम कार्ड। फिर आपको लिखना है सर या मैडम, फिर लिखना है आई विश, मैं चाहता हूँ टू इन्फॉर्म, सूचित करना यू तुमको दैट कि आई हैव ए सेविंग अकाउंट, मेरा एक सेविंग अकाउंट है या एक करंट अकाउंट है इन योर बैंक में, विद अकाउंट नंबर, आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फोर द पास्ट टू ईयर्स, मतलब पिछले दो सालों से अकाउंट है ये मेरा आपके बैंक में। माई एटीएम कार्ड, जो मेरा एटीएम कार्ड है, हैज़ बीन लॉस्ट, वो खो गया है ड्यूरिंग के दौरान माई ट्रैवल, मेरी यात्रा के दौरान कहीं पे मैं जा रहा था और वहाँ पे ये गिर गया। या आप कोई भी बहाना या रीज़न दे सकते हैं। आगे लिखना है देयरफॉर, इसीलिए I would like to, मैं request करना चाहूँगा you तुमसे to issue, जारी करने के लिए a new ATM card to me, मेरे को। फिर एक line छोड़ देनी है आपको, फिर आपको लिखना है thanking you, फिर आपको लिखना है एक line छोड़ के yours faithfully, फिर अपना नाम अरुण कुमार, या आप यहाँ पे साइन भी कर सकते हैं। फिर आप अलग से भी अपना नाम शो कर दें, अरुण कुमार, और फिर अकाउंट नंबर जो भी है वो, और फ़ोन नंबर लिख दें। तो इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन बैंक से रिलेटेड लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।